जानिए भारत के प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में। महादेव देवों के देव कहे जाते हैं। महादेव हिंदू धर्म के प्रमुख देवता माने जाते हैं और हिंदुओं द्वारा पूजे जाते हैं। महादेव देवों के देव कहे जाते हैं। वैसे तो महादेव बहुत ही सरल स्वभाव के हैं और शिव की पूजा करना बहुत ही सरल होता है। ऐसा कहा जाता है कि शिव का दूसरा रूप शक्ति है। शिव कण कण में बसे हैं और शिव की पूजा से जग जीता जा सकता है। प्राचीन काल से ही भगवान शिव के चमत्कारों की कहानी प्रचलित है। कहते हैं भगवान अलग अलग रूप में आकर दुखियों की मदद करते हैं। ऐसे ही कुछ चमत्कारों और रहस्यमय मंदिरों के बारे में आपको बताते हैं। सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर भारत में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग मंदिर है। यह भारत के पश्चिमी तट गुजरात के वेरावल में स्थित है। यह एक धार्मिक स्थान है जहां लोग ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने आते हैं। सोमनाथ का मतलब है सोम के भगवान से जो शिव कहलाते हैं। यह एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है जहां सैकड़ों की संख्या में लोग दर्शन करने आते हैं। यह शिव जी का प्रमुख स्थान भी है। इस शिवलिंग के यहां स्थापित होने की बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहां भगवान दर्शन देने आए थे, इसलिए यहां इस पवित्र ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्री शैल नाम के पर्वत पर स्थित है। माना जाता है कि इस मंदिर का महत्व भगवान शिव के कैलाश पर्वत के समान है। इस मंदिर की धार्मिक व्याख्या कई पौराणिक कथाओं में सुनने को मिलती है। अनेकों धार्मिक शास्त्रों एवं काव्यों में इस मंदिर का वर्णन मिलता है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर के दर्शन मात्र से लोग दोष रहित हो जाते हैं और उनको पापों से मुक्ति मिलती है, साथ ही पुण्य मिलता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी उज्जैन में स्थित है। भगवान शिव का तीसरा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग ये एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ प्रतिदिन सुबह की जाने वाली भस्म आरती दुनिया भर में प्रचलित है। इस ज्योतिर्लिंग की पूजा खास तौर से आयु वृद्धि और जीवन में आए कष्ट को टालने या निवारण के लिए की जाती है। उज्जैन वासी मानते हैं कि भगवान महाकालेश्वर ही उनके राजा हैं और वे ही उज्जैन की रक्षा कर रहे हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध शहर इंदौर के समीप खरगोन में स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी किनारे बसा है और इसके चारों ओर ऊंची ऊंची पहाड़ियां मौजूद है। इसकी वजह से यहां पर ओम की आकृति बनाई गई है। ओम शब्द की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से हुई है, इसलिए किसी भी धार्मिक शास्त्र या वेदों का पाठ ओम सिंह के साथ ही किया जाता है। यह ज्योतिर्लिंग ओम के आकार का है, इसलिए इसका नाम ओंकारेश्वर रखा गया है और दुनिया में इसी नाम से जाना जाता है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ में पांचवा ज्योतिर्लिंग है। यह भी भगवान शिव के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग है। बाबा केदारनाथ का मंदिर बद्रीनाथ के मार्ग में स्थित है। केदारनाथ की व्याख्या स्कंद पुराण एवं शिव पुराण में की गई है। यह समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि जिस प्रकार कैलाश पर्वत का महत्व है, उसी प्रकार केदारनाथ का भी बहुत महत्व है। इस तीर्थ स्थान पर बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए हर साल लाखों की संख्या में लोग आते हैं। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। महाराष्ट्र के पुणे जिले में सहारदी पर्वत पर भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग स्थित है। इस मंदिर को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की मान्यता है कि जो भी भक्त हर रोज प्रातः सूर्य उगने के पश्चात इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है और सभी पापों का अंत हो जाता है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। काशी विश्वनाथ उत्तर प्रदेश के काशी नामक स्थान पर स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस स्थान की ऐसी मान्यता है कि अगर धरती पर कोई संकट या प्रलय आया तो भी यह शिव मंदिर बना रहेगा। शिव के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश में स्थित काशी मंदिर में कुछ भी नष्ट नहीं होगा। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब भी कोई प्रलय आया तो शिव काशी को अपने त्रिशूल में उठा लेंगे और प्रलय खत्म होने पर फिर से काशी को उस स्थान पर पुनः स्थापित कर देंगे। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नाशिक जिले में गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के निकट ब्रह्मगिरी नामक पर्वत पर स्थित है। इसी पर्वत से गोदावरी नदी का उद्गम हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि गौतम ऋषि और गोदावरी नदी के अनुरोध पर ही भगवान शिव यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराज हुए और इसका नाम त्र्यंबकेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग दिया गया। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।